स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले आया हूँ मथुरा जंक्शन में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है मथुरा जंक्शन। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जा रहा हूं अभी मथुरा जंक्शन और वहां की कुछ झलकियां आगे के कुछ क्लिप्स में मैं आपको दिखाने वाला हूं और मथुरा जंक्शन की सारी डिटेल्स देने वाला हूं। तो आज का ये ब्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, हमारे साथ लास्ट तक बने रहें दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऑटो से जा रहा हूं और ये वृंदावन मथुरा रोड है और वृंदावन से लगभग 45 मिनट लगता है मथुरा जाने को, यानी कि ऑटो से आप 45 मिनट में मथुरा जंक्शन पहुंच सकते हैं दोस्तों। सो फाइनली गाइज, मैं आ चुका हूं मथुरा जंक्शन में। मथुरा जंक्शन जो कि आगरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है, इसका स्टेशन कोड MTJ है और इसकी स्थापना सन 1904 में हुई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पार्किंग स्पेस है मथुरा जंक्शन का, यानी कि यहाँ पर ऑटो पार्किंग और व्हीकल पार्किंग की व्यवस्था की गई है। और चूँकि शाम का समय है इसलिए स्टेशन की सारी लाइटें जल चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है बाहर से मथुरा जंक्शन का। चूँकि कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए लोगों की उतनी खास भीड़ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आम दिनों में यहां पर बहुत अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है दोस्तों। तो मथुरा जंक्शन की जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, ये शाम के समय में कितना शानदार लग रहा है और छोटा सा स्टेशन होने के बावजूद ये काफ़ी व्यस्त रेलवे स्टेशन कहा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही आप अगर आ रहे हैं बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से, तो आप यहाँ पर उतर के वृंदावन के लिए ऑटो पकड़ सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आ चुका हूं स्टेशन परिसर में और यहां के कुछ दृश्य दिखा रहा हूं। दोस्तों मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन के कुछ वर्ष वृंदावन में बिताए थे, जो कि यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए मथुरा और वृंदावन हिंदुओं का एक बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों मथुरा रिफाइनरी जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का है, वो भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी में से एक माना जाता है दोस्तों। तो मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में कई तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एस्केलेटर यहाँ पर रनिंग कंडीशन में है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, टेलीफोन बूथ, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सेंटर, वेटिंग रूम, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन रिफ्रेशमेंट रूम के साथ साथ एक बुक स्टॉल भी यहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में कुल प्लेटफॉर्मों की संख्या 9 जबकि कुल ट्रैकों की संख्या 21 है। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करती है और ये इंडियन रेलवेज के अधीन है। दोस्तों मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के कुछ महत्वपूर्ण लाइनों में आगरा दिल्ली कॉर्ड, दिल्ली चेन्नई लाइन, मथुरा भरतपुर वडोदरा लाइन, मथुरा कासगंज लाइन, मथुरा अच्छा नेरा लाइन, मथुरा अलवर लाइन और मथुरा वृंदावन लिंक मुख्य रूप से शामिल है। दोस्तों मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन सन 1982 और 85 के मध्य में किया गया था। दोस्तों ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं ये मथुरा जंक्शन का फुट ओवर ब्रिज है जो कि प्लेटफॉर्मों को आपस में जोड़ती है और आप देख सकते हैं लोगों की काफ़ी चहल पहल यहाँ देखी जा सकती है और कुछ इस तरह का नज़ारा आपको यहाँ फुट ओवर ब्रिज पर देखने को मिलता है। और ओवर ब्रिज से मैं आपको स्टेशन का कुछ दृश्य दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म दिखता है मथुरा जंक्शन का। दोस्तों मथुरा जंक्शन का ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे YouTube चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट करिए और उस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उस चैनल पर भी काफ़ी अच्छे खासे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।